हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ टाइल्स फॉर वन वॉशरूम। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि हमें वन वॉशरूम में कितना कॉस्ट लगेंगे टाइल लगाने में। सो गाइस, अगर आप यहां पे नए हो तो सब्सक्राइब करो हमारी चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो यहाँ पर मैंने एक प्लान बनाया है वॉशरूम का, जिसका साइज 6x4 फीट है। यह प्लान वॉशरूम का और यहाँ पे मैंने 3D व्यू बनाया है वॉशरूम का। सो गाइज, यहाँ पे जो ब्लैक से है वो है वॉल्स और जो मैंने रेड से बनाया है यहाँ पे वो है डोर ऑफ वॉशरूम। सो गाइज, यहाँ पे जो इसका वॉशरूम की लेंथ है वो है 6 फीट और जो इसकी ब्रेड्थ है वो है 4 फीट और जो इसकी हाइट है वो है 9 फीट। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर फुल में टाइल्स लगाने हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ टाइल्स हम फाइंड आउट करेंगे। एक होता है फ्लोर एरिया, यह है हमारा फ्लोर एरिया और यह है हमारा वॉल एरिया। पहले हम फ्लोर एरिया देखेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ टाइल्स, जो एरिया ऑफ टाइल्स होगा वो होगा एरिया ऑफ फ्लोर टाइल्स प्लस एरिया ऑफ वॉल टाइल्स। हम सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्लोर टाइल्स। यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लोर टाइल्स है हमारे पास, जो फ्लोर का यहाँ पे एरिया आएगा वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 6 एंड ब्रेथ है हमारे पास 4 मीटर। सो गाइस, यहाँ पे 4 × 6 यहाँ पे मीटर नहीं, यहाँ पे फीट है। सो यहाँ पे आएगा 24 स्क्वायर फीट। यह आया हमारा एरिया ऑफ फ्लोर टाइल्स, एरिया ऑफ फ्लोर आया हमारे पास 24 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ वॉल्स। यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल्स हम पहले यहाँ का निकालेंगे, यहाँ से लेगा यहाँ तक और यहाँ से लेगा यहाँ तक। ये है हमारी पास ब्रेथ और ये है हमारे पास हाइट, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर। इस वॉल का हम पहले एरिया निकालेंगे, इस वॉल का हम एरिया निकालेंगे। ध्यान से देखो आप, इस वॉल का जो एरिया आएगा वो आएगा लेंथ है हमारी, जो ब्रेथ है हमारे पास वो है 6 और जो हाइट है इसकी जो वो आएगी 9 फीट। यहाँ पे 9 फीट आएगी, 9 फीट, 9 × 6 आएगा यहाँ पे। और जो उसका अपोजिट वॉल है वो भी यही आएगा 9 × 6 फीट। यहाँ पे मैंने 6 × 9 + 6 × 9, यह आया हमारे पास दो वालों का 6 × 9 + 6 × 9, यह आया हमारे पास दो वालों का एरिया प्लस अब हम बैक वाले एरिया का और फ्रंट वाले वॉल का एरिया निकल गए। जो हमारे बैक वाला बैक साइड का वॉल है वो है हमारे पास, जो इसकी लेंथ है वो है 4 मीटर इसकी, ये है ये साइड और ये है हमारे पास 9। अब हमें इस साइड का निकालना है और वो आएगा हमारे पास 4 × 9 या 9 × 4 आएगा, ये 4 × 9 आएगा, ये वाला साइड भी आएगा 4 × 9। बट यहाँ पे जो माइनस करना है वो करना है डोर का माइनस। यहाँ पे डोर का जो डोर का डायमेंशन है वो है 7 फीट × 2.6 इंच। जब हमने 6 इंच को हमने फीट में कन्वर्ट किया तो वो आएगा 6 / 12, वो आएगा हमारे पास 0.5 फीट। तो ये आया हमारे पास 2.5 फीट × 7 फीट। ये माइनस करना है ये हिस्सा, क्योंकि ये दूर का है, इसमें हमें टाइल्स नहीं लगेगा। सो गाइस, यहाँ पे अब हम माइनस करेंगे ये वाला 2.5 × 7, ये है हमारे पास दूर का हिस्सा माइनस हो गया। तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ वॉल्स निकलेगा, एरिया ऑफ वॉल्स हमारे पास जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास निकला 162.5 स्क्वायर फीट। सो गाइस, इसके बाद हमें निकालना है टोटल एरिया। टोटल एरिया हमारे पास जो आएगा वो आएगा एरिया ऑफ फ्लोर टाइल्स प्लस एरिया ऑफ वॉल टाइल्स। तो हमारे पास जो टोटल एरिया आया वो आया एरिया ऑफ फ्लोर टाइल्स वो आया 24 और यह आया हमारे पास एरिया ऑफ वॉल्स 162.5। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया हमारे पास जो टोटल एरिया आया वो आया 162.5 स्क्वायर फीट। इसके बाद हमें ऐड करना होता है वेस्टेज। जो हमारा वेस्टेज आएगा या हमारे जब कोने पे जब हम कट करते हैं कोई भी टाइल तो हमारा जो वेस्टेज होता है वो होता है 4%। हमें 4% वेस्टेज लेना होता है ऑफ टोटल एरिया ऑफ टाइल्स, इसका हमें 4% लेना होगा। जब हमने इसको 4% किया तो वो आया हमारे पास 7.46 स्क्वायर फीट। तो
तो हमें अब ऐड करना है इसमें टोटल एरिया में, तो हमारे पास जो टोटल एरिया आएगा टाइल्स का वो आएगा वो आएगा 186.5 प्लस 7.46। तो सो गया, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 193.96। तो हमने अप्रोक्सीमेटली लिया 194 स्क्वायर फीट, हमें 194 स्क्वायर फीट टाइल्स लगेंगे एक बाथरूम में। इस बाथरूम में हमें लगेंगे 194 स्क्वायर फीट लगेंगे हमें टाइल्स इस बाथरूम का। तो क्या जब हमने इसमें किया, यहाँ पे हमने आइटम लिखा, आइटम क्वांटिटी रेट एंड कॉस्ट। यहाँ पे सबसे पहले हमने टाइल्स का निकाला, टाइल्स हमारे पास जो क्वांटिटी आई वाई 194 स्क्वायर फीट, तो हमारी जो रेट है यहाँ पे वो यहाँ पे मैंने दिए है 35 पर स्क्वायर फीट। ये वेरी करता है, मैंने एवरेज में लिया है, ये इसमें होता है 10 रुपये में भी पर फीट आता है, 20 में भी आता है, और 200 में भी आता है, 300 में भी आता है, बट मैंने यहाँ पे एवरेज में लिया जहाँ पे मैंने 35 पर स्क्वायर फीट लिया इसका रेट। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया क्वान्टिटी इंटू रेट, तो हमारे पास निकला 6790 में हमारे टाइल्स आएंगे। तो इसके बाद हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ सैंड, तो सबसे पहले हम अब निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो फ्लोर, फॉर फ्लोर के लिए हमें वी हैव 24 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया, हमारे पास जो फ्लोर एरिया है वो है, वो कितना है हमारे पास 24 स्क्वायर फीट है हमारे पास फ्लोर का एरिया। सो गाइज यहाँ पे अब हम इसको, ये है हमारे पास स्क्वायर फीट में, अब हम इसको क्यूबिक फीट में लिखेंगे, क्यूबिक फीट में हम कन्वर्ट करेंगे इन क्यूबिक मीटर में इसको करने के लिए हमें इसको, इस 24 स्क्वायर फीट को हमें डिवाइड करना होगा 35.3147 से, तो हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास मीटर क्यूब में। तो जब हमने इसको मीटर क्यूब में निकाला वो निकला 0.679 मीटर क्यूब। तो बस गाइस यहाँ पे जो है ये है हमारे पास वेट वैल्यूम। जब हम इसको ड्राई वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, हमें ड्राई वैल्यू में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 133% इंक्रीज करना होगा, तो हमारे पास ये ड्राई वैल्यू में निकलेगा। तो गाइस हमने इसको ड्राई वैल्यू में जब हमने इसको निकाला तो 1.33 ये निकला हमारे परसेंट, 133 इंटू करेंगे हम इसको वेट वैल्यूम, तो हमारे पास निकलेगा ड्राई वैल्यूम। जब हमने इसको किया तो हमारे पास निकला ड्राई वैल्यूम 0.90 मीटर क्यूब। सो गाइस इसके बाद हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की क्वांटिटी जो निकलेगी वो निकलेगी, हमें पता है जो इसमें यूज होता है ग्रेड वो होता है 1:6, 1 होता है सीमेंट और 6 होता है सैंड, ये होता है फ्लोर में। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा सीमेंट, हमें पहले सबसे पहले हमें निकालना है सीमेंट, सीमेंट का 1 आएगा 1 ड्राई वैल्यूम डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ रेशोज है 1 + 6, वो आया हमारे पास 7। तो 1 ड्राई वैल्यूम 0.90 डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ रेशोज, तो वो आया 7। तो गाइस जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास निकला 0.128 मीटर क्यूब। तो इसके बाद है हमारे पास इन केजी में निकालने के लिए हमें इस मीटर क्यूब को हमें डेंसिटी से मल्टीपल करना होगा, डेंसिटी ऑफ सीमेंट से। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, वो होता है 1440, ये हमें याद रखना होता है, ये हमें हर किसी कैलकुलेशन में लगता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है 1440। तो जब हमने इसको इन केजीज में निकाला वो निकला हमारे पास 185.414 केजी, ये इतना हमें सीमेंट लगेगा फ्लोर में। तो अब हम इसको नंबर ऑफ बैग्स में निकालेंगे, वी नो दैट एक बैग में 50 केजी होता है। सो गाइस हमने इसको हमने 50 से डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स निकलेगा। तो जब हमने इसको नंबर ऑफ बैग्स में निकाला तो हमारे पास निकला 3.70 बैग्स हमें लगेंगे फ्लोर में सीमेंट। तो हमारा जो फ्लोर में सीमेंट लगेगा वो कितना लगेगा, 3.70 बैग्स। सो गाइस अब हमें निकालना है वॉल्स में हमें कितना सीमेंट लगेगा। हम वॉल्स में सीमेंट पेस्ट करते हैं तो हमारा जो फॉर वॉल्स सीमेंट पेस्ट का वर्ड 40 to 50 स्क्वायर फीट पर बैग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, हमारा जो
एक बैग सीमेंट है वो हमें लगेगा 40 to 50 square feet। तो अब हम इसको यहाँ पे देंगे 40, हमें वन बैग ऑफ सीमेंट हमें लगेंगे 40 square feet में। तो हम यहाँ पे हमारा जो टोटल एरिया है वॉल्स का वो है 162.5 को हमने 40 से डिवाइड किया तो हमारे पास निकलेगा नंबर ऑफ बैग्स यूज्ड इन वॉल्स। तो हमारे पास जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास निकला 4.06 बैग्स। तो यहाँ पे जब हमने इसको टोटल किया टोटल बैग्स ऑफ सीमेंट हमें फ्लोर बैग जो हमने फ्लोर में यूज़ किया है और जो हमें वॉल्स में यूज़ हुए हैं जो हमारा फ्लोर में यूज़ हुआ है वो हुए हैं 3.70 बैग्स प्लस जो हमारे वॉल्स में यूज़ हुए वो हुए 4.60 बैग्स। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 67.76 बैग्स। तो हमारे पास जो आया वो आएगा 7 to 8 bags ऑफ सीमेंट हमें लगेंगे इस बाथरूम में। अब हमें इसको निकालना है कि हमारी जो कॉस्ट आएगी कॉस्ट ऑफ सीमेंट आएगी वो कितना आएगी। सो गया यहाँ पे हमारी जो मैंने यहाँ पे 7 bags ऑफ सीमेंट लिए है तो हमारा जो यहाँ पे आता है वो आता है 400 पर सीमेंट बैग। यहाँ पे मैंने दे दिया है आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आएगा 7 bags आएंगे हमारे पास 2800 में। तो अब हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ सेंड। तो गाइस क्वांटिटी ऑफ सेंड निकालने के लिए हमें हमारे पास जो ड्राई वैल्यूम निकला है वो कितना निकला है वो निकला है 0.90। ये है हमारे पास ड्राई वैल्यूम और हमारा जो सीमेंट का रेशो है वो है 6। सीमेंट का रेशो मैंने यहाँ पे 6 लिया है सॉरी सेंड का रेशो जो हमारा सेंड का रेशो है वो है 6 डिवाइडेड टोटल 1 + 6 = 7। तो हमारे पास निकला 0.771 m³। तो अब हमने इसको CFT में निकालना है क्योंकि हमें हमारा जो सेंड आता है वो आता है CFT में ही। तो यहाँ पे CFT में इसको हमें CFT में निकालने के लिए हमें इस फैक्टर से हमें मल्टीपल करना होगा 35.3147। और अगर हमें इस मीटर क्यूब और अगर हमें स्क्वायर फीट को अगर हमें स्क्वायर फीट को मीटर क्यूब में निकालने के लिए निकालना होगा तो हमें इसको हमें डिवाइड करना होगा। और अगर हमें मीटर क्यूब को CFT में निकालना होगा तो हमें इसको मल्टीपल करना होगा इसी फैक्टर को। तो ये याद रखना ये बात। तो हमने इसको यहाँ पे मल्टीपल किया क्योंकि हमें CFT में निकालना है। तो हमारा जो CFT में निकला वो निकला 27.24 CFT हमें लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिया 27 CFT तो हमें 27 CFT लगेंगे। और जो CFT का रेट मैंने लिया है यहाँ पे 35 per CFT मैंने रेट लिया है। आप अपने हिसाब से लोगे जितना वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैंने जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 950 rupees। तो यहाँ इसके बाद होता है वाइस सीमेंट जो होता है वाइस सीमेंट यूज़ होता है जो आपस में वन टाइल में जो गैप होती है थोड़ी सी जो गैप होती है वो फिल करने के लिए हमें वाइस सीमेंट लगता है। हम वाइस सीमेंट क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जब हम टाइल्स लगाते हैं तो पानी अंदर नहीं जाना चाहिए टाइल्स के अंदर से तो वो प्रॉब्लम करेगा तो इसलिए हम वाइस सीमेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इस हिसाब से हम वाइस सीमेंट लगाते हैं। वाइस सीमेंट सस्ता होता है तो हम 2 kg लेंगे जो वन केजी का रेट होता है वो रहे 20 rupees पर केजी होता है रेट। तो हमारा जो यहाँ पे लगेगा वो लगेगा 40 rupees। तो इसके बाद होता है लेबर कॉस्ट जब हमें अलग अलग होता है फ्लोर में अलग होता है और उसमें अलग होता है वॉल्स में अलग होता है। जो फ्लोर में होता है फ्लोर में जो लेबर्स की रेट होती है वो होती है 15 to 20 rupees पर CFT। और जो वॉल्स में होते हैं 20 to 25 per CFT। तो हमने यहाँ पे एवरेज में लिया है टोटल में ये प्लस ये हम लेंगे 20 rupees per CFT। तो हमारे पास जो टोटल एरिया है टाइल्स का वो है 194 square feet। सॉरी यहाँ पे CFT नहीं है यहाँ पे स्क्वायर फीट है पर स्क्वायर फीट
पर स्क्वायर फीट है 15 to 20 rupees, यहाँ पे है वॉल्स में है 20 to 25 स्क्वायर फीट में, सॉरी। तो यहाँ पे जब हमने इसको 20 से मल्टीपल किया तो हमारे जो लेबर्स कॉस्ट आई वो आई 3880 rupees। तो अब हम इसको टोटल में करेंगे, टोटल कॉस्ट हमारा जो कितना आएगा, तो हमारा जो पहला है टायर्स का, जो हमारे टायर्स का कॉस्ट है वो है 6790 rupees, प्लस जो सीमेंट का है 2800, प्लस जो हमारा सैंड का है 950 rupees, प्लस जो हमारा वाइस सीमेंट है 40 rupees, प्लस वो जो हमारा लेबर कॉस्ट है वो है 3880 rupees। तो टोटल में जब हमने इसको किया तो हमारे पास निकला 14460 rupees। तो हमारे पास जब हमने इसको टोटल में किया तो हमारे पास निकला 14460 rupees। तो इतना कॉस्ट हमें लगेगा एक एवरेज बाथरूम बनाने में, सॉरी बनाने में नहीं, टाइल्स लगाने में। तो इसमें जो टोटल कॉस्ट आया वो कितना आया, 14416 rupees टाइल्स लगाने में। यह फ्लोर, यह इसका वॉल साइज इसमें बराबर है, यह यहाँ तक। तो ये था आज का वीडियो। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।